हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंकाज किचन। आज मैं शरद पूर्णिमा के लिए खीर बनाने जा रही हूँ, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर चंद्रदेव को खीर चढ़ाते हैं और वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने हाफ बोल राइस को लगभग 2 घंटे के लिए सोक करके रखा था, आप ये देख सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडिंग हमें बहुत हल्की करनी है, बिल्कुल पीसना नहीं है, बल्कि इसे थोड़ा सा दरदरा ही रखना है, ताकि खीर का टेक्सचर से बहुत अच्छा आ जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको दरदरा सा पीस लिया है और ये ऐसे ड्राई ही पीसा है बिना पानी के। अब हम एक पैन गरम करेंगे, आप देख सकते हैं जिस साइज का भगोना है। इसको गरम करके इसमें हम 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। जब घी गरम हो जाए तब हम उसमें ये ग्राइंड किया हुआ राइस डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर हल्का हल्का चलाते हुए इस तरह से भून लेंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे ताकि ये जले नहीं। जब फ्लेम लो रहेगा तो ये बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा। हमें इस चावल को गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। राइस को हमने बिल्कुल धीमी आंच पर लगभग 3 मिनट तक भून लिया है और ये बहुत ही परफेक्ट भुन गया है। तो अब हम इसमें 1 ग्लास तक मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो पानी की जगह प्योर दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चूंकि हम यहाँ पर राइस का खीर बना रहे हैं तो उसके लिए जब ये हम पानी इसमें डालते हैं ना, तो ये बहुत ही स्मूदली पक जाता है। और उसके बाद हमने एक तरफ जो है दूध गाढ़ा होने के लिए रख दिया है, तो नॉर्मल मिल्क या नॉर्मल दूध इसमें डालने के बजाय दूध को हल्का सा गाढ़ा करके ऐड करेंगे तो ये खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। फ्लेम को अभी भी हम लो ही रखेंगे और इसे हम ढककर लगभग 1 मिनट के लिए पकने को छोड़ देंगे। ये देखिए, हमने खोल कर देखा, ये बहुत अच्छा पकने लग गया है। ये देखिए, आप थिकनेस देख पा रहे होंगे। इसे हम थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे और वापस इसे हम 1 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। वापस हम खोल कर इसको देख लेते हैं। खीर बहुत अच्छे से, ये देखिए, फैल गई है, बहुत ही अच्छी तरह से ये पक गई है। तो अब हम इसमें गाढ़ा किया हुआ 1 लीटर दूध ऐड कर देंगे। दूध को हमने पहले ही गाढ़ा कर रखा था और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे खुला ही धीमी आंच पर पकाएंगे। अब इसे हमें ढकना नहीं है। खीर को इस तरह से बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि ये तले में चिपके नहीं और इसकी गांठें ना बने। खीर काफ़ी अच्छी तरह से पक गई है, ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें अंदाजे से चीनी ऐड कर देंगे। साथ ही में हमने ये 2 मिश्री के टुकड़े भी रख रखे हैं, आप चाहें तो पूरी मिश्री वाली ही खीर बना सकते हैं।
अब इन्हें भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब वापस हम इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे ताकि चीनी और मिश्री अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। लगभग 10 से 11 मिनट में हमारी ये खीर बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो खीर को और गाढ़ी भी कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये खीर बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसमें केसर के कुछ धागे डाल दूंगी, साथ ही थोड़े से किशमिश, थोड़े से काजू पीसेस में कटे हुए, थोड़े से बादाम वो भी पीसेस में कटे हुए, और 2 बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ यानी कि कद्दूकस किया हुआ नारियल। अब इन्हें भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और अब इस खीर को हल्का सा ठंडा हो जाने के बाद हम इसे चंद्रदेव को भी अर्पित करेंगे और फिर इसी का प्रसाद सबको बांट देंगे। ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।